नगर पालिका परिषद के सभासदों ने एक बार फिर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना देते हुए 16 सूत्री मांगों पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। जवाब न मिलने पर उन्होंने पालिका के कार्यों की मजिस्ट्रेटियल जांच सहित सामूहिक त्याग पत्र देने की चेतावनी दी है। पालिका के सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जाता रहा है। 6 महीने से बोर्ड बैठक तय नहीं की गई है। सभासदों का कहना है कि सभासदों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। वहीं पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली का कहना है कि संबंध में उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। सभासदों को चाहिए कि धरना देने से पहले उनसे वार्ता करते। 2-2.5 महीने पहले एक लेटर दिया था जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। कुछ हम सूचना मांग रहे थे, जैसे कि गाड़ी में कितना व्यय हुआ है, सैनिटाइजर में कितना व्यय हुआ है, या हमारे जीरो वेस्ट में कितना पैसा व्यय हो रहा है, या आप लोग कर रहे हैं कितना काम, हमारे जीरो वेस्ट में कितना काम हो रहा है। तो अभी तक 2.5 महीने से तो कोई हमारे को मतलब ऐसा लगता है नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रिंगी। मतलब हमें बोर्ड को कोई महत्व है ही नहीं। मैं तो ये चाहूँगा, शासन से यही डिमांड करूँगा, पहले तो शासन से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सभासद का पद ही खत्म कर दिया जाए, जब सभासद का कोई पूछताछ ही नहीं होनी है। बोर्ड का कोई औचित्य रहना ही नहीं चाहिए। आगे आपकी क्या लड़ाई रहेगी? लड़ाई हमारी जब तक जो है हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हमें सूचना नहीं दी जाएगी, जब तक हमारे जो भी कार्य विकास कार्य हो रहे हैं बोर्ड के संज्ञान में न डाल के, जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हम जो है तालाबंदी नहीं खोलेंगे। और दूसरा एक चीज़ आपके थ्रू में एक और मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। अगर मतलब जो है ईओ साहब, अभी हम आए थे, ईओ साहब से हमारी बात भी नहीं हुई, वो हमें बिना बात करे ही चले गए। ईओ साहब से हम अगर ऐसी कभी मिलके बात भी करते हैं तो ईओ साहब बोलते हैं मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस नगर पालिका को चला कौन रहा है? अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता है कि यहाँ हो क्या रहा है तो फिर किसको पता है?